हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्रोपेट वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि हम जितने भी लेटेस्ट वीडियोस लेके आएँ बर्ड्स की मेडिसिन के रिलेटेड, उनके एक्सेसरीज के रिलेटेड, सो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ पाए और आप उन्हें मिस ना करें। जैसे कि आपको पता है, हम रोज़ नए नए टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। सो आज की वीडियो का टॉपिक है, ये बेसिकली 6 लीटर का ड्रिंकर, देख सकते हैं कुछ लुक लाइक, ये 6 लीटर लिखा है। अरे लुक लाइक देखने में कुछ ऐसा है, हैंडल इसका हैवी है। एक्चुअली अब हम इसकी बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी की, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी और ये प्योरली मेड इन इंडिया है। सो जो चीज़ इंडियन है वो इंडियन ही बताएंगे हम आपको, और अगर वो इम्पोर्टेड रहेगा तो हम इम्पोर्टेड बताएंगे। तो ये मेड इन इंडिया है। सो अपने इंडियंस ब्रदर को भी बेसिकली मौका दे सकते हैं आप, जिन्होंने ये बनाया है, स्टेबल होने का, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है इसको बनाने के लिए। और मेक इन इंडिया का बेनिफिट ये है कि हमारे इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जाता है। सो चाइनीज़ की जगह आप इंडिया को, मेड इन इंडिया वाली चीज़ें यूज़ करें। आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सो टोटली इसमें 5 होल्स हैं जहाँ से आपका बर्ड पानी पीता है। जितना आप इस टैंक में भरेंगे पानी, जब यहाँ से बर्ड पीता रहेगा तो वो लेवल नीचे आता रहेगा। सो गंदगी नहीं गिरती है। और एक इसका बेनिफिट यह है कि जैसे आप कोई मेडिसिंस देते हो, दवाइयाँ डालते हो, तो वो दवाइयाँ जो होती हैं हमारे मिट्टी के बर्तन में बैठ जाती हैं नीचे, तो इसमें वो बैठेगी नहीं, वो नीचे आएगी। नीचे आने के बाद बर्ड पानी पिएगा, पूरी मेडिसिंस जो है वो बर्ड्स के अंदर चले जाएंगी ऑटोमेटिकली पानी के थ्रू। सो आपको अलग से सिरिंज से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वो बेसिकली बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी को कि वो नीचे बैठ जाती हैं जब मेडिसिंस वगैरह। सो उस वे से अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। पर आप इसमें कोई बाहर की डस्ट ना जाए, जैसे कबूतर उड़ते हैं, वो उड़ने से जो डस्ट उड़ती है वो इजीली इनमें चले जाती है, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा हाइट पे रख सकते हैं। जैसे कोई इसके स्टैंड्स भी आते हैं, सो अगर आप स्टैंड यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट है, कि उसमें क्या होता है, ये 3 इंच के करीब ऐसे हाइट पर आ जाता है और कबूतर की गर्दन भी ईजिली इसके अंदर जाती है, पानी पी लेता है। नीचे की डस्ट भी नहीं उड़ती, ऊपर की गंदगी भी नहीं आती। और अगर आप वो स्टैंड नहीं यूज़ करना चाहते तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं, ईंटें होती हैं, जो मिट्टी वाली ईंट रहती है, टाइल्स रहती हैं, वो 2 रख के आप उसके ऊपर रख सकते हैं, ताकि बेसिकली इसकी जो हाइट है वो 3 से 4 इंच ही ऊँची हो जाए और बाहर की जो मिट्टी उड़ के बीच में जाती है वो भी ना जाए। सो साफ पानी पिएगा बर्ड आपका तो वो ज़्यादा हेल्थी रहेगा, बीमार नहीं होगा। सो आपको बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे उसके, जिसमें हमारा बहुत खर्चा हो जाता है। तो बेस्ट है कि हम पहले से ही उनका सलूशन ढूंढें और अच्छे ड्रिंकर्स यूज़ करें, ट्रेज यूज़ करें, दाना ज़मीन पे ना डालें, क्योंकि ज़मीन पे डालते हैं बीठी लगती है दानों में, एक बीमार होता है उसकी बीठ दाने पे टच हो गई, दूसरे के अंदर चलेगी तो बैक्टीरिया फैलते हैं, कबूतर बीमार रहते हैं। मैक्सिमम होता क्या, एक ठीक हो गया, दूसरा बीमार हो गया, दूसरा ठीक हो गया, तीसरा बीमार हो गया, ऐसे चलता रहता। कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ से कि बार बार बर्ड्स बीमार होते ही रहते हैं। सो उससे बचने के लिए है कि आप ड्रिंकर्स यूज़ कीजिए, और अगर आप मटकी भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको डेली बेसिस पे रोज़ रोज़ धोएं, अच्छे से साफ़ रखें। हफ्ते में एक बार उनको धूप में रख दें, अगर मटकियाँ यूज़ कर रहे हो तो हफ्ते में उनको एक बार धूप में रखें पूरा 3-4 घंटे, ताकि अगर उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो धूप से ख़त्म हो जाए। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये ड्रिंकर ही यूज़ करना है, बट अगर आपको करना भी है, मिट्टी वाले बर्तन भी यूज़ करने हैं, तो उसके अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है, ताकि बर्ड्स जो पानी पिए वो साफ़ पिए, चाहे वो मिट्टी के बर्तन में पिए, चाहे वो प्लास्टिक केस में पिए, किसी में भी पिए। सो कोई भी मेडिसिन डाल रहे हो आप, इतनी ही मेडिसिन डालें कि वो कंज्यूम कर ले, एक दिन में जितना उसको पानी पीना है उसमें वो पी ले, 2 घंटे में 3 घंटे में पी ले। बेस्ट तो ये रहता है कि अगर आपको सुबह मेडिसिन देनी है तो थोड़ा सा पानी डालें उसमें, 1-2 लीटर
कबूतरों के हिसाब से, और वो पानी पी लेते हैं, उसके बाद शाम को फिर से दवाई अगर देनी है तो फिर डाल दें, अगर आप डिंकर्स वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो। अगर डिंकर यूज़ कर रहे हो तो आप एक बार में 5-6 लीटर अपने कबूतरों के अकॉर्डिंगली उसको भर के उसमें मेडिसिन डाल के रख सकते हैं ताकि वो पूरा दिन पीते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।